जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार जम्मू कश्मीर के डोडा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शक्तिराज परिहार को टिकट दिया गया है, जिस पर भाजपा प्रत्याशी राजू परिहार ने कहा, मुझे डोडा पश्चिम से प्रत्याशी बनाया गया है, मैं पार्टी हाईकमान का मुझ पर भरोसा है करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यहां लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भारी अंतर से इस सीट को जीतेंगे। विकास हमारा एजेंडा है और हमारी प्राथमिकता है कि यहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत रहे और हम विकास की राजनीति करें। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लेकर जो कार्य किए हैं उसे लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। कल नामांकन दाखिल होगा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल मेरे साथ यहां उपस्थित रहेंगे। मैं यहां विश्वास से कह सकता हूं कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है एक, और इस जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना है उसमें मुझे यहां डोडा वेस्ट का यहां पर प्रत्याशी बनाया है, यहां पर कैंडिडेट बनाया है। मैं पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जो भरोसा जताया है कि यहाँ प्रत्याशी बनाया है, यहाँ का कैंडिडेट बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमांड का, प्रधानमंत्री जी का और अपने जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका धन्यवाद करूंगा और यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यहाँ लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भारी संख्या में भारी लीड से इस सीट को यहाँ से जीतेंगे। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे जो आरएडी लगे हैं यहाँ पे 24/7 भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये 2014 के बाद आज 10 साल के बाद 24 में ये चुनाव हो रहा है। लोग काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं उसमें कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है। और मैं जो देख रहा हूँ इस जिला में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ की तीन सीटें, वो डोडा हो, डोडा वेस्ट हो या भद्रवाह हो, तीनों पे भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं।